टनटनाटन वाली जीरा चिकन रेडी। रमजान की सहरी में ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 15 मिनट में तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें। बहुत मज़ेदार है, बहुत खुशबूदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रमज़ान की दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम बनाने लगे हैं ज़ीरा चिकन सहरी के लिए, बहुत बेहतरीन रेसिपी और बहुत झटपट तैयार होगी। और इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये मैंने ज़ीरा लिया है। ज़ीरा मैंने दरदरा सा कूट लिया है। आप इसमें शाह ज़ीरा या वाइट ज़ीरा जो होता है वो ले सकते हैं। मैंने इसमें ये काला ज़ीरा लिया है। 2 चमचे मैंने नमक लिया है, 2 चमचे मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली ली है, और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला लिया है। चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। और अब ये मेरे पास चिकन है तकरीबन 1/2 kg, तो इसके अंदर मैं लगाने लगी हूँ लहसुन अदरक। अच्छे से करके इसमें मैं लहसुन अदरक लगा दूँगी। लगा तो आप चमचे से भी सकते हैं, लेकिन जो हाथ से जायके का और इसका मज़ा आता है वो किसी भी चीज़ से नहीं आता, जो बहुत अच्छे से इसमें लग जाता है। लहसुन अदरक हमने लगा दिया है चिकन पे। मैंने ये ले लिया है पतीले में, ऑयल ले लिया है, लेकिन आपने फ्लेम ऑन नहीं करनी है। इसके अंदर ही हम ये डालेंगे लहसुन अदरक का। इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक के 2 टीस्पून, और साथ ही साथ ये सारा मसाला जो हमने निकाल के रखे थे, ये 4 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। सारे मसाले डाल देने, और अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑन। ये हम इसका मैंने फ्लेम ऑन कर दी थी, इसका मसाला हम भूनने लगे हैं। इसके अंदर प्याज व्याज कुछ नहीं जाएगी, पर झटपट से रेसिपी तैयार होगी। अब ये मसाला भुन रहा है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार। इसमें अब मैं ऐड करने लगी हूँ दही तकरीबन 1 पाव। ये दही मैंने इसमें डाल दी है, और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ अपनी चिकन जो मैंने लहसुन अदरक लगा के रखी थी। अपनी चिकन ऐड कर दी मैंने इसमें, और ये देखें कितनी इजी रेसिपी है। बस ये झटपट से पक जाएगी और आप सहरी में एंजॉय कीजिएगा। इससे बहुत मज़ेदार और बहुत खूबसूरत इसका टेस्ट आएगा। मैं थोड़ी देर पकेंगी चिकन के अंदर। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, हाफ ग्लास पानी, वो इसलिए कि चिकन हड्डी वाली है तो थोड़ा सा गल जाएगी बस। और इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए, और लिड कर देंगे हम इसका बंद, और अब ये पकेगी। ये देखें जी, चिकन मेरी ये हो गई है रेडी। और अब इसे स्टेज पे हम इसमें डालेंगे मेथी, और थोड़ी सी हाथ में क्रश करके, ये कसूरी मेथी है, और मैं इसे थोड़ा सा हाथ में क्रश करके इसमें ऐड कर दूंगी। और बस ये मेरी चिकन हो गई रेडी, बिल्कुल टन टनाटन वाली। मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये तैयार हो गई है मेरी टन टनाटन वाली ज़ीरा चिकन रेडी। रमज़ान की सहरी में ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। 15 मिनट में तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें। बहुत मज़ेदार है, बहुत खुशबूदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रमज़ान की दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।